गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है चैप्टर 5 का लेसन 3 का पिछले क्लास में हम लोग जो है आपको कहां तक पढ़े थे, कॉलम फॉर्मेटिंग तक पढ़े थे स्टूडेंट्स। अब हम लोग जो है पेज सेटिंग से पढ़ेंगे स्टूडेंट। पेज सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट, किसी भी पेज को सेट करने के लिए उसका सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए इसकी छोटा सा डिफाइन लिखे हैं, वी कैन फॉर्मेट अ पैराग्राफ बाय चेंजिंग इट्स अलाइनमेंट एडेंटिफिकेशन लाइन स्पेसिंग पैराग्राफ स्पेसिंग, यानी पेज सेटअप को हम ये सब के तरीके से यूज कर सकते हैं। वी कैन फॉर्मेट अ पैराग्राफ, जब भी हम इसका अलाइनमेंट एडेंटिफिकेशन और लाइन स्पेसिंग रहेगा तो अब पैराग्राफ स्पेसिंग तो पेज का सेटिंग बहुत अच्छे तरीके से होता है। तो इसके लिए सबसे पहले आते हैं पेज मार्जिन। स्टूडेंट पेज मार्जिन इसलिए हम कितना जगह छोड़े हैं, मान लीजिए पेज मार्जिन यही पेज है, यही पेज है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये है टॉप, टॉप मार्जिन, ये टॉप मार्जिन है स्टूडेंट। इसके जस्ट नीचे है लेफ्ट मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन है स्टूडेंट। उसके बाद है सबसे नीचे यहां बॉटम, ये बॉटम मार्जिन है। और इसके इधर है पेज हेडिंग, एकदम ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है पेज हाइट। इसके जस्ट नीचे स्टूडेंट है पेज मार्जिन राइट के तरफ का, राइट के तरफ का। उसके अंदर पेज का विड्थ चौड़ाई, पेज विड्थ, ठीक है। ये इतना चीज जो है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये सारा चीज के बाद ही आपका पेज सेट हो जाता है। इस सब को सेट करने के लिए स्टूडेंट हम सीधा जाते हैं स्ट्रेट पर जाते हैं, सीधा स्ट्रेट पर ही आपको फोकस करते हैं। इसके हमने लिखा है पेज मार्किंग द स्पेस बिटवीन द एडिट एंड पेज ऑफ द डॉक्यूमेंट टेक्स्ट ऑन ऑल द फोर साइड्स, यानी चारों साइड बहुत इंपॉर्टेंट है, डाउन राइट लेफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। चारों साइड की सहायता से हम कर सकते हैं। इसके लिए हम कहां जाएंगे, पेज लेआउट में जाएंगे, कहां जाएंगे स्टूडेंट, पेज लेआउट में जाएंगे, वहां से मार्जिन्स में जाएंगे, मार्जिन्स के अंदर पेज सेटअप सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही पेज सेटअप सेलेक्ट होगा आप अपने अनुसार आपका जो बॉक्स खुलेगा उसमें आप चाहिएगा, देखिए स्टूडेंट हम भी आपको बुक में कॉपी दिखा दे रहे हैं, इस तरीके से खुलेगा। यहाँ आपको नॉर्मल है, नैरो है, मॉडरेट है, वाइड है, ठीक है। उसके बाद है मिरर्ड है, ऑफिस कंपलसरी का डिफॉल्ट है, और इसके बाद भी कस्टम्स मार्जिन है, यानी कि तरह के बाद अगर आपको अगर चाहिए तो आप ओन खुद से भी अपने अनुसार रिक्वायरमेंट के अनुसार मार्जिन सेट कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। ये था आपका पेज मार्जिन। अब हम आते हैं पेज ओरिएंटेशन। जैसे ही पेज ओरिएंटेशन का बात करेंगे स्टूडेंट तो हम देखेंगे पेज ओरिएंटेशन इज द प्रॉपर्टी दैट डिटरमाइंस द प्रिंटिंग डायरेक्शन ऑफ द टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट किस डायरेक्शन से प्रिंट होगा ये देखता है स्टूडेंट। यहां पर आप नहीं समझे होंगे लेकिन हम दूसरे तरीके से इसको समझाएंगे, आप तुरंत समझ जाएंगे। दो मोड होते हैं पेज ओरिएंटेशन के स्टूडेंट, इसको कहते हैं पोर्ट्रेट मोड। क्या कहते हैं, पोर्ट्रेट मोड। इसको तो आप खुद बता सकते हैं कि बहुत ज्यादा यूज करने वाला नहीं है लेकिन तभी भी रहता है, लैंडस्केप यात्रा, लैंडस्केप। फिर समझ लेंगे पोर्ट्रेट मोड और लैंडस्केप मोड। इसमें क्या होता है स्टूडेंट, ज्यादातर आप इसी का यूज करते हैं A4 साइज में, पेज का साइज हमेशा A4 ही रहता है, इसके बाद प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट में A4 रहता है, लेटर साइज चलेंगे या प्रिंट नहीं लेगा तो इसके अनुसार आपको प्रिंटर सेट करना होगा। तो कभी कभी होता है कि हमको कॉन्टेक्ट देना है वो कम देना है लेकिन लंबा देना है तो हम लैंडस्केप मोड का इस्तेमाल करते हैं, और जैसे ही कॉन्टेक्ट जो है वह छोटा देना है लेकिन उसकी लंबाई जो है हाइट ऊपर से लेकर टॉप टू बॉटम ज्यादा होगी, लेफ्ट और राइट कम होगा, तो हम क्या करेंगे पोर्ट्रेट मोड का इस्तेमाल करते हैं। इस मोड का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है A4 साइज के लिए, और इसको करेंगे तब प्रिंट करेंगे। तो प्रिंट करने के लिए स्टूडेंट हम आते हैं, जैसे ही प्रिंट करवाते हैं पेज का साइज पर बात करते हैं। जैसे ही हम बात किए पेज का साइज सेट करने के लिए क्या करना होगा स्टूडेंट, उसके लिए हम पेज लेआउट में जाएंगे स्टूडेंट। पेज लेआउट में जाने के बाद हम साइज में जाएंगे, साइज में जाने के बाद पेज सेटअप में जाएंगे, पेज सेटअप में जाने के बाद क्या करेंगे
पेज का साइज स्टूडेंट A4 आप सेलेक्ट कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट वो A4 होता है। आप चाहें तो कभी कभी किसी किसी प्रिंटर में A5 होगा, लेटर साइज होगा, वो आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार है स्टूडेंट, मैं बार बार कह रहा हूँ, लेकिन A4 साइज बाय डिफॉल्ट आप कर सकते हैं। या से पहले डिफॉल्ट भी कीजिएगा तो अपने आप A4 ले लेगा प्रिंटर। उसके बाद देखिए जब भी कोई चीज प्रिंट करना है स्टूडेंट्स तो उसके लिए ये बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन। स्टूडेंट इसका शॉर्टकट आप जानते हैं, इसको लिखवा चुके हैं लेकिन फिर से लिख देना है, कंट्रोल प्लस F2 होता है स्टूडेंट। इसकी सहायता से हम लोग प्रिंट प्रीव्यू का मतलब आफ्टर प्रीव्यूइंग, जैसा प्रिंटिंग करने के बाद कैसा वो हार्ड कॉपी में आएगा वह इस प्रिंट प्रीव्यू में स्टूडेंट दिखा देता है। इसलिए आप सबको हम कहेंगे कि जब भी आप कोई चीज टाइप करें, आप कितना भी उसका पेज मार्जिन या टॉप हाइट सारा चीज सेट कर लीजिए, लेकिन एक बार अगर नोट्स में लिख लीजिएगा स्टूडेंट्स कि प्रिंट प्रीव्यू मस्ट है। प्रिंट प्रीव्यू करके आप उसको देख सकते हैं कि आपका जो प्रिंट होकर हार्ड कॉपी निकलने वाला है वो सॉफ्ट कॉपी में आप देख सकते हैं कि वो कैसा है। कभी कभी ऐसा होता है स्टूडेंट की जो मेरे पेज से बाहर जा रहा है तो लेटर का साइज छोटा कर सकते हैं, उसका मार्जिन को अप डाउन राइट लेफ्ट करके हम उतना ही में हटा सकते हैं, दो लाइन के लिए दूसरे पेज में क्यों जाएंगे स्टूडेंट, या आगे लाइन बढ़ जाता है। जैसे अभी ये कोड मिला है स्टूडेंट को लिखने के लिए, अगर हम कोई इसके आगे बढ़ना है तो नेक्स्ट लाइन में जाएंगे ना, कि हम बोर्ड से आगे दीवार पर नहीं ना लिख सकते स्टूडेंट। सेम उसी तरह से आप इसलिए कंट्रोल F2 का इस्तेमाल करेंगे, या आप अगर भूल जाते हैं तो आप फिर ऑप्शन में जाकर भी प्रिंट प्रीव्यू कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो फाइल में जाएंगे, प्रिंट में जाएंगे, प्रिंट के अंदर प्रिंट प्रीव्यू होगा, ये ऑप्शन है। अब जब हम देख लें कि सारा ओके है तो सीधा प्रिंट करेंगे, प्रिंटिंग और आफ्टर प्रिंट लिखा हुआ भी है, आफ्टर प्रिंटिंग द डॉक्यूमेंट्स बीइंग प्रिंट कैन चूज द प्रिंट ऑप्शन, यानी जब हम देख लेंगे कि यार ऑल सेट ऑल अच्छा है तो हम प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन को क्लिक करके प्रिंट पर जाएंगे। जैसे ही प्रिंट पर जाएंगे नंबर ऑफ पेजेस आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, दोनों साइड अगर प्रिंटर आपका अच्छा है तो बोथ साइड एक बार में भी प्रिंट कर सकते हैं आप, ठीक है। इसके लिए स्टूडेंट आपका प्रिंट का भी हम शॉर्टकट की लिख दे रहे हैं, इसका लिखे हैं फिर इसका लिख देते हैं, कंट्रोल की कमांड से भी हम प्रिंट कर सकते हैं। ये तरीका है, दूसरा फाइल में जाएंगे, डायरेक्ट प्रिंट पर जाएंगे, प्रिंट पर जाने के बाद नंबर ऑफ पेजेज आपसे पूछेगा, आप ऑल या करेंट कर देंगे, प्रिंट करेंगे, प्रिंट करने के बाद आपका स्टूडेंट क्या हो जाएगा, डॉक्यूमेंट जो है वह अच्छे से प्रिंट होकर सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी बदल जाएगा। ये चैप्टर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर कह रहा हूँ आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, कोई क्वेश्चन होगा आस्क करेंगे, लेकिन आप इसका बुक का एक एक टॉपिक पढ़ेंगे। मैं ऐसे कोशिश करूंगा कि PDF में आपको इसका टोटल, जैसा कि पेरेंट्स और आप भी कुछ स्टूडेंट भी ये रिक्वेस्ट करेंगे सर मुझे नोट्स जो है वो तो PDF में चाहिए ही, लेकिन मुझे क्वेश्चन आंसर भी और ऑब्जेक्टिव भी PDF में चाहिए, तो मैं कोशिश करूंगा कि जब ये वीडियो जाए तो उस PDF में आपको वो भी मिल जाए, लेकिन इसको आप अच्छे से एक बार पढ़ लेंगे और कोई क्वेश्चन होगा तो इसको आस्क करेंगे। चलिए स्टूडेंट थैंक्स, ये था चैप्टर 3 कंप्लीट हो चुका है हमारा, अच्छे से इसको पढ़िएगा, फिर हम बोल रहे हैं ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर फ्यूचर, ठीक है स्टूडेंट, थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।